हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बोटी सीख कबाब, बहुत ही सिंपल तरीके से, अच्छा होटलों जैसा है। देखिए, हमने थोड़ा सा लिया है पपीता, आधा पपीता है, दो कच्चा मिर्चा है और एक छोटा सा प्याज है। इसको हम पीस लेंगे, बिना पानी का पीसेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। देखिए, हमने ये गोश्त लिया है, गोश्त को अच्छी तरह से धो के इसका सब पानी हम लोग निचोड़ लेंगे और उसी में ये कच्चा पपीता और पेस्ट इसमें डाल देंगे कच्चा पपीता वाला। ये देखिए, हमारा पनीर टिक्का मसाला है, गरम मसाला, जीरा गुलकी मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, सब हमने मसाला थोड़ा थोड़ा करके एक एक चम्मच करके ले लिया है पनीर। और ये हमें थोड़ा सा कलर भी ले लेंगे, इसमें कलर आ जाएगा। पनीर टिक्का मसाला आप ज़रूर लेंगे, इसको स्किप नहीं करिएगा, पनीर टिक्का मसाला इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हमारा बोटी सीख कबाब है तो इसमें टिक्का मसाला, पनीर टिक्का मसाला या फिर चिकन टिक्का मसाला ज़रूर लीजिएगा। इसको देखिए, हम इसको मैरिनेट कर देंगे और इसको एक घंटे के लिए हम लोग फ्रिज में रख देंगे। देखिए, हम लोग ज़रा इसमें पानी नहीं है, आप लोग भी पूरा पानी निचोड़ लीजिएगा। देखिए, हमने एक घंटे बाद इस गोश्त को देख रहे हैं, देखिए कितना सूखा सूखा है हमारा गोश्त, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे और सीख लेंगे। देखिए, हमारा ये सीख है, हम मेरा थोड़ा सीख मोटा है, आप लोग इससे पतला होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। इसमें एक एक बोटी को हम इसमें डाल लेंगे। देखिए, थोड़ा टाइट है, फिर भी अभी तो गलना शुरू हुआ है ना, इसलिए थोड़ा टाइट है। इसको हम ऐसे ही करके सारी सीख को डाल लेंगे। हमारे पूरा गोश्त दो सीख में आएगा। देखिए, हमारा दूसरा सीख है, हम एक सीख भर लिए हैं, अब ये दूसरा सीख है, इसको भी हम ऐसे ही भर लेंगे। हम भर के आपको दिखाएंगे कि कैसे हम भरे हैं। इसको भी पूरा सीख को भर लेंगे, दो सीख हमारा होगा। और ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी नहीं हो, क्योंकि पानी होगा तो पूरा मसाला हम लोग का ग्रेवी में चला जाएगा। देखिए, हमने पूरा सीख भर लिया है, ऐसे हमने दोनों सीख को भर लिया है। और भर के देखिए, हम हल्के आंच पर, मीडियम एंड लो, छोटा वाला चूल्हा जो रहता है ना, उसी पर हमें करेंगे। बड़ा वाला पकड़ेंगे तो ये जलने का डर है, ये जल जाएगा। हम दोनों सीख को इसमें हल्का और मीडियम आंच पर इसको हम सेकेंगे धीरे धीरे। और जब हमें सूखा सूखा लगे तो थोड़ा इसमें तेल लगा लेंगे, ऑलिव ऑयल है, इसमें हम अपने तेल लगा लेंगे और इसको फिर से चूल्हा पर रख देंगे। इसको हमको पूरा सेकने में हमको आधा घंटा लगा है, 30 मिनट का समय लगा है पूरा सेकने में। और इसको गलने के लिए जो हमें कच्चा पपीता डाले थे, वो गलने के लिए ही डाले थे, आप लोग उसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। कच्चा पपीता इसमें ज़रूरी है, बोटी सीख कबाब में कच्चा पपीता एकदम ज़रूरी है। देखिए, इसमें बार बार देखते रहिए, अगर कहीं भी ड्राई लगे, सूखा लगे, तो इसमें आप लोग तेल डालते रहिए। और जो तेल पड़ेगा और जो अंदर से आग निकलेगा, तभी तो सोना सोना इसमें खुशबू आएगा। इसी वजह से हम लोग इसमें तेल बार बार डालेंगे, ताकि ये ड्राई ना रहे, क्योंकि सूखा रहेगा तो ये जलने का डर है। देखिए, हमारा आधा घंटा हो चुका है और मेरे हिसाब से ये पूरा बोटी पक चुका है। देखिएगा, हम इसको निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो ये निकालते निकालते टूटने लगेगा, तब इसका यही निशानी होता है कि ये पक चुका है। देखिए, हमारा बीच से एक एक ठो बोटी टूट भी गया है। देखिए, निकाल रहे तो कितना लाइटनी, कितना स्मूथली निकल रहा है। देखिए, यानी ये देखने से ही लग रहा है हाँ, ये पूरा पक गया है। देखिए, हमारा नीचे भी गिर जा रहा है, एकदम गल गया है। जो कच्चा पपीता जो डाले हैं ना हम लोग, उसी वजह से ये बिल्कुल ही गल गया है। आधा घंटा इसको समय देके बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी और अच्छा बनने वाला है। आप लोग एक बार बना के देखिए, बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा, उससे भी अच्छा बनेगा, जैसा हम लोग बाजार में लेते हैं उससे अच्छा बनेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें बहुत ज़रा प्यार दीजिए। अल्लाह।